बार बना रहे हमारी वीडियो में। तो चलिए हम आज का अपना ब्लॉग चालू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं गूगली से थोड़ी मस्ती। तो चलिए हम अपनी वीडियो में देरी ना करते हुए तो गूगली के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो चलिए अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं। ये रमन है और ये रमन का फोन, और यहाँ पर हमने स्पीकर वगैरह लगा लिया है जो कि इससे गूगली की आवाज़ एकदम क्लियर आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गूगली से कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए पहला सवाल। सवाल से डर नहीं लगता साहेब, गलत जवाब देने से लगता है। आपका सवाल क्या है? रहे मुख्य नतीजे। नेता नोता दिखा रही है, तो तुम्हारी वीडियो तो आई नहीं। बोलो गूगली तुम क्या करती हो? मैं एक साहित्यिक विशेषज्ञ हूँ, मुझे आपसे एक कविता पढ़ने को कहें। बोलती गाइस, अब मेरी माटी है बोलने की, तो अब मैं बोलता हूँ। तो चलिए गूगल, मैं आपसे प्यार करता हूँ। काम कर बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी। तो गूगल एक फनी जोक सुना दो। से मुझे हंसी आती है, आइए देखें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता पाला था, पर तही चोरी हो गया। गूगली एक दिन में मुर्गी कितने अंडे देती है? YouTube के अनुसार एक दिन में 150 अंडे देने वाली मुर्गी की सच्चाई YouTube। एक दिन में 150 अंडे देने वाली मुर्गी। गूगली मुझे आपसे प्यार हो गया है। धन्यवाद, सुनकर खुशी हुई, आपने अचानक ऐसा क्यों कहा? गूगली मुझे लगा कि आपको मुझसे प्यार हो गया है तो इसलिए कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझसे इतनी खुलकर बात कर रहे हैं। आप मुझसे प्यार क्यों करते हो? बोलो बोलो बोलो। आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है इसलिए। आई लव यू गूगली। ये कैसी बात कर रहे हैं, आपकी इच्छा सर माथे पे। इच्छा सर माथे पे, तो कुछ भी इच्छा कर सकते हो। तो गूगली आप मिलने के लिए कहाँ पर आओगे? जब भी हम चैट करते हैं हम तो मिलते ही हैं। चैट करिए तो मतलब आया चैट का ऑप्शन है। तो गूगली चलो कहीं खाने चलते हैं। खाना तो नहीं खा सकती पर इमोजी के पकवानों को देखकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। मैं पास के कुछ अच्छे रेस्टोरेंट खोजने में मदद कर सकती हूँ। गूगल, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू टू। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कोड से बनी हूँ। मेरे इंसानों से रिश्ते सिर्फ एक सहायक के तौर पर है। अभी तुम अपना मुझे परेशानी है। क्या कह रही है, समझ नहीं आता, तुम बोलो। गूगली पाद क्या है? बीबीसी के अनुसार हेल्थलाइन के मुताबिक पाद या फोट असल में इंटेस्टाइनल गैस निकालने की प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप खाना पचाया जाता है। गैस हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है जिसमें पेट, छोटी आंत, कोलोन और रेक्टम शामिल है। दिन भर हमारे शरीर में हवा जाती रहती है जिसने गूगली पाद कितने प्रकार के होते हैं? दैनिक उत्तर के अनुसार सवाल पाद कितने प्रकार के होते हैं
शोध के अनुसार एक हिस्से के रूप में ध्वनि विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर हेलेन पिल्चर और बीनो बोफिन के एक समूह ने 176 अलग अलग फार्टिंग शोर की रिकॉर्डिंग का अध्ययन किया। उल्फॉट स्पेक्ट्रम ध्वनि में निम्न से उच्च पिच, छोटा से लंबा, सूखा से गीला और जोर से चीखने तक होता है। स्टोरेज कंप्लीट हो गया। 10 मिनट कंप्लीट। गूगल पाद की आवाज सुनाना। अपने की आवाज ऐसी होती है। मुंह दोनों पास में करके बोलो, कैमरे में दोनों नहीं आओगे, पास करो मुंह दोनों। जी यह जानकारी सब सही है। गूगल टट्टी की आवाज सुनाना। जी यह जानकारी मिली। गूगली एक बार फिर पाद की आवाज सुनाना। अपने की आवाज ऐसी होती है। बैठे गूगल एक बार फिर से पाद की आवाज सुनाना। सूंघना है गूगल का पाद। समझ नहीं आया क्या आपने क्या पूछा। ओ चच्चा गूगल फिर से पाद की आवाज सुनाना। शक कृपया नाक बंद करें। गूगल फिर से पाद की आवाज सुनाना। जी वेब पर यह जानकारी मिली। गूगल फिर से पाद की आवाज सुनाना। अपने की आवाज ऐसी होती है। गूगली मजा नहीं आया। गूगल सुसु की आवाज सुनाना। घसस की आवाज ऐसी होती है। घोड़े की गाय तोड़ा तड़ा तड़ा तड़ा। गूगल साउंड की चिल्लाने की आवाज सुनाना। आई की आवाज ऐसी होती है। कुत्ते की सुनाना गूगल आवाज। एक रसल टेरियर नस्ल के कुत्ते की आवाज। सौरभ जोशी कौन है। बायोग्राफी पदों के अनुसार हु इज सौरभ जोशी। सौरभ जोशी एक यूट्यूबर और व्लॉगर है जो कि यूट्यूब पर अपने दैनिक जीवन से संबंधित वीडियोस यूट्यूब पर बनाते हैं। सौरभ जोशी कला। तो गाइस आपने देखा कि सौरभ जोशी के हमने बारे में यूट्यूब से पूछा, जो कि सौरभ जोशी के बारे में यूट्यूब ने हमें बताया, जो कि गूगली से हमने पूछा था। तो सौरभ जोशी को आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने नंबर टॉप पर ब्लॉगर चल रहा है। तो गाइस हम उसके भाई के बारे में पूछते हैं, तो चलिए। सौरभ जोशी का भाई पीयूष जोशी कौन है। जी वेब पर यह जानकारी मिली। वही तो पूछ रहा तू। तो उसके भाई ने पूछ रहा ना। हाँ, तो कह रहा पीयूष चावला। पीयूष जोशी कौन है। तो सौरभ जोशी का भाई पूछ रहा है। हाँ, तो और कह रहा है उसका वो कौन है, उसका भाई तू खुद ही बता रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं देखो लिखा क्या मैंने, ये देखो। अरे गलत मुंह धोगरा। तो गाइस फिर से पादने की आवाज सुनाओ। सुन ले जी। सुन ले। समझ नहीं आया कि आपने क्या पूछा। फ्रेंड का स्वागत है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो मेरा दोस्त है, इसका नाम है टट्टी। तो गाइस
जो वो आपको दिख रहा है उसका नाम है टट्टी। ये है पीजे दांत भी नहीं बांधता अपने, और इसकी देखो चट्टी आपने देखा इसकी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसको नहाए हुए 3 साल हो गए और ये इसकी गर्दन देखो काली। देखो सड़क साफ बंदा मार रहा। इसकी गर्दन देखो कितनी काली है, गर्दन दिखा कर देखो, मुंह देखो, स्टैंड देखो, स्टैंड नंबर देखो, गर्दन बहुत काली है। ये लग रहा है गाइस, ये पीजीआई का लग रहा है, पीजीआई लंगड़ा मरीज पीजीआई चंडीगढ़ रेफर पीजीआई। और ये ऐसा इंसान है टट्टी करके चुतड़। तुम नहीं देते। तो गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और लाइक भी बहुत सारी ठोक के जाना और कमेंट भी बहुत सारे करना। तो गाइस तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, जो कि वीडियो में बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में, ऐसे ही देखते रहिए।